इतने दूर से आए हैं तो तशरीफ अंदर, नहीं तो क्या बाहर रखेंगे। ये मेरी बेटी सोना। क्या चुनकर नाम रखा है, सचमुच सोना है। ऐसा माल घर में रखोगी तो पड़ोसी तो डाकू बनेगा ही ना। क्या, कुछ नहीं, ये ऐसे ही बोलती है। और बेटी, ये हमारे मेहमान है, ये मीनाक्षी। हेलो। ये बेटी लाखों में। ये काजल, पूरा नाम बोलो, काजल भाई। सॉरी गलती हो गई। और ये राधिका, अरे आना, अरे आना, खड़ी रह जा। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें बहुत सताते हैं ना। अब तू फिकर मत कर, हम लोग आ गए हैं। अब पड़ोसन का भाई तो क्या, तेरा होने वाला पति भी तुझे बुरी नजर से नहीं देखेगा। तुम घर में दरवाजा बंद करने का रिवाज नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं, पड़ोसी हर वक्त कोई ना कोई बहाने घर में कुछ मांगने को चले आते हैं। तो आने दो ना, बार बार दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलने के लिए मैं तरस गई हूँ। हॉबी समझती हो, हॉबी? किसी किसी को पतंग उड़ाने का शौक होता है, किसी को लपेटने का शौक होता है, किसी को नाचने का शौक होता है, जैसे अपने माइकल जैक्सन भाई को, वैसे इस हटेली को दरवाजा खोलने का शौक है। शौक है? हम बड़े लोग हैं, हमारा बड़ा बड़ा शौक है, तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। सारा जमाना कहता है कि मेरा स्क्रू ढीला है। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे स्क्रू मिला ही नहीं। खड़ी क्यों है, बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जरा सा अखबार लेने के लिए आई हूँ। ओह, इतनी सी बात है, तो ये लीजिए अखबार। ये क्या बदतमीजी है, मैं अखबार मांग रही हूँ और आप टुकड़े दे रही है। क्यों, आप ही ने तो कहा था जरा सा अखबार दीजिए। अब पूरा अखबार दे दो, कल आना, क्योंकि आज का अखबार तो फट गया और आपने पूरा मांगा था, अधूरा मिलेगा आपको। रीता, देखो इन लड़कियों को तुम समझा दो, वरना मैं मिस्टर सहानी से कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन? कौन करेगा कंप्लेन, किसका करेगा कंप्लेन? तेरी तो। अरे अरे, ये क्या किया आपने मिस्टर सहानी? क्या किया? हट जाओ, पेट फाड़ के इसका भेजा ही निकाल डालेगा। काजल भाई, भेजा पेट में नहीं, खोपड़ी में होता है, खोपड़ी में। अच्छा रीता, तेरे पास मसाला पीसने का पत्थर है? नहीं, क्यों? तो नीचे ओडीपी रेस्टोरेंट से मंगवा ले, अपुन उस पत्थर से इसका खोपड़ी तोड़ डालेगा। क्या हो गया? बताए क्या हुआ, एक बार एक आदमी ने इसकी झूठी कंप्लेंट करवा के इसे 3 महीने के लिए अंदर करवा दिया था, तो तब से जब भी ये कंप्लेन वर्ड सुनती है साइकिक हो जाती है। इसके गले पर हरे रंग की नस है, उसे काटूंगा तो लाल रंग का। अरे काजल भाई, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। रहने दो काजल भाई, बूढ़ी घूसर है, गलती हो जाती है। कंगाल की बात का क्या बुरा मानना, कंगाल जो पेपर खरीदने की भी हैसियत नहीं रखते वो कंगाल नहीं तो क्या बंगले वाले कहलाएंगे। बोल मधुबाला, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। छोड़ दी, मुझे मार दिया। 3 तक गिनेगा, पिछली कक्षा में ये 4 बार फेल हुई थी, 3 के आगे की गिनती से नहीं आती। तब तक अगर तू खल्ली वाली नहीं हुई तो अपन तेरा डोम्बी वाली बना डालेगा। 1 2 अच्छा, ये पागल की एक्टिंग करनी थी, मुझे तो लगा इसकी सचमुच में खसक गई है। अब तुम्हारे घर में एक जो पागल की कमी थी वो पूरी।
नहीं किया क्योंकि ये लोग इसका सूद समेत बदला लेंगे। अरे यार तू फिकर मत कर, अगर तेरा बाल भी बाका हुआ तो अपन टोपी पहनना छोड़ देगा। अब बैंगन के भूते जैसा मुंह बनाकर बैठी रहोगी या मुझे खाना दोगी? आप किसी अच्छे वकील को जानते हैं? क्यों, वकील भी खाने पे आ रहा है क्या? अरे मैं यहाँ खाने की बात कर रहा हूँ और तू वकील कहाँ से ला रही है? मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? मैं आपको तलाक दूंगी। क्या? आनंद मातर निकल पड़ी अंधेरे में। अब अगर एक वर्ड भी बोली ना तो मैं तुझे अंधेरे स्टेशन में फेंक के आऊंगा। तभी से बात करो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। बिना ये क्या बचपना है? बिना ये बचपना नहीं है, एक मैच्योर औरत का सोच समझ कर किया हुआ फैसला है। जो आदमी अपनी जवान बेटियों को घर से निकाल सकता है उसके घर पर तो बुलडोजर गिरा देना चाहिए। तो छत पे जाके दौड़ने लगो, तुम क्या बुलडोजर से कम हो? बिना मैंने जरा सा मजाक किया उसमें वो सीरियस होके चले गए, उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो उस शर्मा के घर में हम भी मेहमान बनकर चलते हैं। नहीं नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बोलो, जैसे कि इनकी इज्जत की न्यूज जी टीवी के समाचार बुलेटिन में रोज आती है। आनंद माथुर जाओ ले आओ बेटियों को, वरना बिन पैसे की नौकरानी जैसी बीवी से हाथ धोने पड़ेंगे। ये बात भी सही है। ए, ना, हम सुबह जाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? अरे सुबह तक तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देंगे। उस सहानी का अब तक क्या हुआ होगा पता नहीं। अरे यार क्या नाम है उस झापड़ी के का? झापड़ी ये क्या होता है? झोपड़ी के बड़े भाई का नाम झापड़ी हो के। ये मिसेस सहानी के भाई के बारे में पूछ तुझको तंग करता है। दिलीप नाम है उसका। शी। जब दिलीप साहब को पता चलेगा कि उनके हमनाम ऐसी गिरी हुई हरकत करते हैं तो वो तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। रहने दे राधिका, अगर दिलीप साहब उनके नाम वाले टपोरियों की हरकत से पानी पानी होने लगे तो अब तक वो पिघल गए होते। वैसे भी आज से 25-30 साल पहले जब भी किसी के यहाँ बेटा पैदा होता उनका नाम दिलीप ही रखते थे। हाँ यार, पहले के जमाने में हीरो लोगों के नाम कितने शानदार हुआ करते थे। दिलीप कुमार, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र। हाँ, और आजकल के हीरो लोगों के नाम देख लो, मिलिंद गुनाजी, चंद्रचूर सिंह। पता ही नहीं चलता कि हीरो का नाम है या डाकू का। चंद्रचूर सिंह के बाद में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। शाहरुख जी के बाद ना मैंने उन्हें वेटिंग लिस्ट पे रखा है। फिर बात को भटका रही है। मेरे प्यारे दिलीप, क्या कर रही है काजल? क्यों इस उम्र में सारा बानो को टेंशन देती है? अरे यार ये दिलीप साहब को लेटर नहीं लिख रही, इसके पड़ोसी दिलीप को लेटर लिख रही है। क्यों? मैं मर गई हूँ तो ये लव लेटर लिख रही है? वो इस पर बुरी नजर रखता है, तुझ पर नहीं। यही तो प्रॉब्लम है यार। बुरा हो या अचार, एक नजर कोई हमको भी देख ले। ये ऐसे नॉनस्टॉप बोलती रहती है क्या? हाँ, गुलशन कुमार अंकल इस पर एल्बम बनाने वाले हैं। पगली कहीं की क्या बात कर रही है काजल? फिर तो मेरे किशन कुमार के साथ चक्कर चलने के फुल चांसेस है। स्वीटी अब हम लेटर लिखना शुरू करें। लिख सोना। क्या लिखूं? लिख, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाता है। काजल ये लव लेटर लिख रही है, किसी सीक्रेट फिल्म के डायलॉग्स नहीं। मैं बताती हूँ लव लेटर कैसे लिखते हैं। लिख, माय डियर फिल्म, तुम्हें देखकर मेरे मन में होता है इल्लू इल्लू, रात दिन सोचती रहती हूँ तुमसे कैसे मिलूं। आई लव यू स्वीटी। आगे लिख, आज रात को मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी, मेरे घर को अपना ससुराल समझ के चले आना। मैं तुम्हारी याद में मोमबत्ती की तरह पिघलती रहूंगी, तुम्हारी अगरबत्ती। घर में आ गया तो? अरे यार तू फिकर मत कर, अपुन लोग ने सब बंदोबस्त कर दिया है। अब वो जब फोन करने आए तो इस लेटर को उसकी तरफ धीरे से खिसका देना। ओके ओके। है सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। है तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा हीरो नंबर वन है तू। हेलो, मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है? याद आया। आइए देखो देखो देखो, मम्मी
डायरी की जेरोक्स कॉपी उड़ के आई है। ये उनके मॉम डैडी है। क्या बात कर रही है यार? सही है, किससे मिलना है? बेटा हम तुम लोग के बगैर जी नहीं सकते, इसलिए तुम लोग को लेने आए हैं। बीना, ओ बीना, हमारे बिना जीने की आदत डाल रहे बीना। कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे ससुराल में आके क्या कहेगी? तुम्हारे बिना मेरे जीवन में आनंद ही नहीं। अरे आइए आइए माथुर साहब, ये तो ऐसे हुआ जैसे सुदामा के घर कृष्ण पधारे हो। सुदामा, ये ना आपके काले रंग को देख के बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। एक मिनट, तुम लोग ने हमारा परमिशन लिया? लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ हाँ माना, फिलहाल हम लोग यहाँ एक ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करते वक्त हमें कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए। हाँ, और इन्हें वार्निंग दे दो कि जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और तब तक अगर ये यहाँ रहना चाहे तो शराफत से रहना होगा। देख लिया, चींटी के भी पर निकल आए। एक तो ये ठीक तरह से देख नहीं सकती, ठीक तरह से सुन नहीं सकती, लेकिन जबान कैंची की तरह चला रही है। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय ठंडा है कुछ? जो भी खाना पीना बचा हो दे दो इनको। नहीं, हम लोग खाना खा के आए। डैड झूठ तो मत बोला। एग्जैक्टली, हमारी मम्मी हमारे बगैर एक निवाला मुंह में नहीं डाल सकती और आपको एक पानी का घूंट भी नहीं पीने दिया होगा। अपनी मम्मी को अच्छी तरह से पहचान लिया इन लोगों ने। वो सब छोड़ो, वो अपनी मैगजीन छोटी कहाँ है? उसको पूजा के घर से ला कर आए। एक ही बात का डर है, कई सुबह तक उन दोनों का तलाक न करवा दे। देखा, यहाँ भी दरवाजा है। नहीं, शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। यस जी, मुझे फोन करना है। आपके अंधे की औलाद, या देखो पब्लिक टेलीफोन या एसटीडी बूथ का पार्टी नजर आता है। हाँ बोल। अरे अरे इन्हें अंदर आने दो, ये तो मिस्टर साहनी के साले हैं। लेकिन इसकी नजर तो एकदम साफ है। तुम लोग तो कहते थे कि ये बुरी नजर वाला है। क्या? बुरा मत मानो, ये थोड़ी सी क्रैक है। जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एज यूजुअल जीजा फोन पर बिजी थे और मुझे एक जरूरी फोन करना था। हाँ हाँ करो करो, ये तुम्हारा ही फोन है। हाँ, करो करो, चलो। हेलो, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। ढक्कन का 5 नंबर डायल करके बात कर रहा है। ये वही लड़का है जो फोन के नाम पे मुझे इशारे करता है। हाय, पूरा दिन तुम्हारी याद आई। पिक्चर देखने गया तो मनीषा कोइराला में तुम, शॉपिंग करने गया तो सेल्स गर्ल में भी तुम, जहां जहां देखा बस तुम ही तुम नजर आई। फिर तो सिग्नल पर खड़े छक्के में भी वही नजर आती होगी। तो ना एक काम कर, लेटर उसको दे क्या, जाना। अरे जाना, मेरे सामने क्या देख, जा जा। बस अब ये बता दो कब कहां और कैसे मिलना है। I'm sorry. मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। थैंक यू अंकल। अबे शाने, चल 3 रुपया रख। क्या? तेरे बाप को ये फोन तेरी माँ की दहेज में नहीं मिला था, समझा? ए, आप लोगों को मालूम है मैं कौन हूँ? तुझे शायद पता नहीं कि हम कौन है। जाने दो जाने दो, दिलीप तुम जाओ। ये तो अभी गुस्से में था, अभी हंसकर क्यों गया? वो क्या ना मम्मी, मैंने उसे आंख मार दी थी। ओह, लगता है आ गया सहानी का बच्चा, अपना सारा काम मुझसे करवाने। आप वो फाइल मुझे दे दीजिए। हाँ वो काम तमाम कर देगा कि सहानी शहीद सहानी बन जाएगा। है मार दिया जाए, कमाल कमाल, टेली आपको क्या किया? कमाल, अरे कौन हो तुम?
और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जितना सुना था उतना ही मनहूस चेहरा आपका। मंडे को देख लो तो सैटरडे तक खाना ना मिले। अरे आइए आइए सर, आइए आइए। अरे राजू मेरे को ये बताओ, कौन है ये? घर में मेहमान है क्या? हम लोग भाड़े पे आए हैं। क्या? नहीं सर, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। अरे एनीवे काम करो। ये रहा गम, जल्दी कर। आइए आइए स्प्रे कर ना। प्लीज आइए आइए बैठिए, मैं अभी भी फाइल चेक करवा देता हूँ। प्लीज बैठिए। सर सर आप आराम से बैठिए, मैं फाइल चेक करता हूँ। He's a nice man. आइए जल्दी आइए, ये नीचे। हमारे प्यारे डायरेक्टर साहब, यानी कि मिस्टर सहानी के बॉस। हाँ, इसे फाइल में रख दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Oh, that's good idea. अरे सहानी साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। लेकिन हमने जैसे सुना था वैसे आप दिखे नहीं है। कैसा सुना था? हमने सुना था कि आप एक नंबर के। सर मैंने पूरी फाइल चेक कर दी। अच्छा, सब कुछ परफेक्ट है। गुड गुड, थैंक यू शर्मा, तुम मेरे लिए बहुत काम करते हो, मैं तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ, आज के बाद अब तुम्हें इसी के ख्याल आएंगे। चलो राजू, अब मैं चलता हूँ। ओके सर। अरे अरे क्या हो गया, मैं उठ के नहीं पा रहा हूँ। प्लीज प्लीज राजू, प्लीज प्लीज छुड़ाओ मुझे राजू। राजू राजू मेरी मदद करो, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। अरे रोको 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 राजू राजू रोको, इसे मैं मरना नहीं चाहता यार। कर दो कर दो। अरे बेवकूफ, एक काम करो ना, इस सोफे के साथ घसीट के इनको इनके घर ले जाओ। हाँ, भले इनकी बीवी इनके घर। हाँ, सही है। धक्का मारो धक्का मारो धक्का धक्का मारो धक्का धक्का मारो धक्का मारो। अरे रात के 2 बज गए हैं, चलो आप सो जाते हैं। मामा आप ये आशिक की औलादों को जानते नहीं हो, जब रात पाली के वॉचमैन सुस्ताने लगते ना तब जाके ये फ्रेश होते हैं। अरे पर तुम्हारा प्लान क्या है? डैड वो लाइव देखो तभी मजा आएगा, वरना सस्पेंस का मजा ही चला जाएगा। मिसाइल्स और गन्स ला सकते हैं तो बिच्छू क्या चीज है? अरे तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए ना। अरे भाई साहब अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ ना। हाँ, वरना भाई बहनों में से सिर्फ बहन रह जाएगी। ये साले साले चल साले मर जाएगा साले चल चल मर जाएगा साले।
माथुर साहब, जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब ने वो फाइल खोली और वो गधे वाला कार्टून देखा, उन्होंने फौरन सहानी साहब को बुला दिया। सहानी साहब ने कहा मैंने तो फाइल शर्मा को दी थी। अरे डायरेक्टर साहब उल्टे भड़क गए, उन्होंने सहानी के हाथ में सीधा सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया। बेचारा सहानी अब क्या करेगा? अरे डैड डोंट वरी, उसके पूरे परिवार को आतंकवाद फैलाने का काम जरूर मिल जाएगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो न जाने हम लोगों को और कितने जुर्म सहने पड़ते। ये लीजिए 21,000 रुपये, 20,000 रुपये आपकी फीस और 1,000 रुपया हमारी ओर से। रहने दो। हमारे तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी में खर्च कर देना। अरे तुम्ही ने तो हमें हमारे माँ बाप की नजरों में कीमती साबित किया है और दुनिया के लिए हम कितने काम के हैं ये दिखाया है। बस सिर्फ अपना बाप का काम तमाम करो। अब घर चलने का ख्याल हो गए। मैं बताऊँ, बता। मेरे पास था, सानी के साले से चलाओ। क्यों?